मेरी बात हुई, मैंने बोला सर करना चाह रहे हो तो खुदा के लिए एक बात हो। जो घोड़ी पाकिस्तान से जोड़ा तड़ाकर इंडिया में आई थी, घोड़ी सजेशन थी कि इंडियन हाई कमीशन से रابطہ किया जाए, और एक बेचैनी भी थी हम इधर वीजा के लिए अप्लाई करेगा और भारत जाएगा। हैदर भाई, आपके वकील साहब से आपके कोई बात हुई? हमने लेके साहब जो पाकिस्तान वाला है वो आपको कल कोर्ट में मिले के गया था कराची, कल की कुछ बातें हुई, कुछ क्या सही वगैरह रह रहे थे, बाकी इस्लामाबाद का जो बाकी है इन्होंने बोला कि पीर या मंगल और रोशनादीन साहब, मेरी बात हुई, मैंने बोला सर करना चाह रहे हो तो खुदा के लिए बातों बातों तक नहीं हकीकत में करके दिखाओ। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल है ना, हम भी यही चाहते हैं कि सिर्फ बातें मत करो, काम करके बताओ। चाह रहे हो बच्चों को, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत जेल चुका हूँ। सीमा हैदर के ताबूत में आखिरी खेल ठुक चुकी है, सीमा का खेल खत्म हो चुका है। वेलकम दोस्तों एक नई वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। बात करेंगे सीमा भगोड़ी, सीमा इलीगल, सीमा ड्रामेबाज को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहे, काफी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरे दोस्तों गुलाम हैदर के जो फादर हैं अमीर जान साहब, वो जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में। दोस्तों उन्होंने जो है पूरी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर ली है, और वो जो है बहुत जल्द यानी मंगल में इंडियन एम्बेसी पहुंच रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जाएंगे, लेकिन मंगल में क्लियर जाएंगे। गुलाम हैदर की वीडियो जो है आपने देखी है दोस्तों, उसमें भी गुलाम हैदर ने कहा पीछे कि मंगल में जाएंगे। तो आगे हम जो है फियाज रामे साहब की एक वीडियो आई दोस्तों, वो भी दिखाएंगे, यानी उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छी जानकारी दी है दोस्तों इस हवाले से। तो बहुत जल्द जो घोड़ी पाकिस्तान से जोड़ा तड़ाकर इंडिया में आई थी घोड़ी, वो बहुत जल्द जो है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाएगी। तो फियाज रामे साहब ने क्या कहा दोस्तों इस हवाले से, एक बार आप ये भी देखिए। और बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से, और बहुत अहम अपडेट आज आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। गुलाम हैदर के वालिद की इंडियन हाई कमीशन से पहली मुलाकात। जी हां, गुलाम हैदर के वालिद की इंडियन हाई कमीशन से पहली मुलाकात। बहुत सारे लोगों का, दोस्तों का एतराज़ था कि गुलाम हैदर के वालिद साहब और गुलाम हैदर के वकील रोशन अजीम और गुलाम हैदर, इन दिनों में से कोई भी इंडियन हाई कमीशन या पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस में रबता क्यों नहीं कर रहा, और पाकिस्तान में कोई बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान में बच्चों की वापसी के हवाले से कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा। पिछली बार जब मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि आपने बताया कि सीमा हैदर पे कराची में मलीर में पुलिस स्टेशन मलीर में FIR कटी है, और पुलिस स्टेशन में उससे बच्चों का क्या लेना देना, क्या पुलिस बच्चे वापस दिलवा सकती है, FIA बच्चे वापस दिलवा सकती है, ये तो फैमिली कोर्ट का मामला है, या ये दोनों ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं तो गार्डियन कोर्ट का मामला है, जब सरहद पार का मामला आ जाता है तो ये दोनों ममालिक का मामला है, इसमें पाकिस्तान की पुलिस क्या कर सकती है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों की ये सजेशन थी कि इंडियन हाई कमीशन से रابطہ किया जाए, और एक बेचैनी भी थी। तो उसी हवाले से आज की वीडियो है, बहुत अहम अपडेट है, बहुत बड़ी डिवेलपमेंट आज इस केस में हुई है। कराची में जितना भी काम था वो कम्प्लीट कर लिया गया है, बल्कि आप ये कहें कि पाकिस्तान में जितना भी काम था वो कम्प्लीट कर लिया गया है। और सीमा हैदर की डाइवोर्स को लेकर और कुछ और जालसाजियों को लेकर एक रिटन कोर्ट से ऑर्डर लेना था, उस ऑर्डर पे फाइनल सिग्नेचर होने हैं कल, और कल सिग्नेचर होने के बाद परसों गुलाम हैदर के जो वालिद हैं वो रोशन अजीम साहब के साथ इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद जा रहे हैं, और पहली मुलाकात कर रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के साथ, वहाँ पर वो करेंगे और अपना मुद्दा ऑफिशियली और लीगली और प्रैक्टिकली इंडियन हाई कमीशन के सामने रखेंगे। इससे पहले गुलाम हैदर का ये शिकवा रहा है कि पाकिस्तान के इदारे स्टेप क्यों नहीं ले रहे, अब इंडियन हाई कमीशन और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को लीगल तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, और इस मुलाकात के बाद, इस कम्युनिकेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मुलाकात का बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, और जितनी ये चीज़ें पेश की जाएंगी इंडियन हाई कमीशन के सामने और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के सामने, फॉरेन सेक्रेटरी के सामने, एम्बेसडर के सामने, मैं वो बिलीव करता हूँ कि वो जो इंडिया ने, भारत ने एक लेटर लिखा था पाकिस्तान को सीमा हैदर के बारे में और बच्चों के हवाले से, जिसका आज तक कुछ लोग ये सवाल करते हैं
कि आपके हाई कमीशन ने जवाब नहीं दिया। तो मैं ये यकीन रखता हूं कि रोशन अजीम और गुलाम हैदर की इस मुलाकात के बाद इंडियन हाई कमीशन खुद उसका जवाब देगा और खुद उसकी ऑथेंटिसिटी और इस चीज़ को देखेगा और गवाही देगा कि ये सारा मैटर जेन्युइन है और गुलाम हैदर ही उन बच्चों का वालिद है और वो बच्चे पाकिस्तान के सिटीजन है। मैं ये बात इतने वसूख से क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि गुलाम हैदर के वकील रोशन अजीम और उसके वालिद अमीर जान साहब ने 8 सितंबर 2023 से लेकर अब तक इतने एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं, इतनी फाइल बना ली हुई है कागजात की और सबूतों की कि जब वो सामने रखी जाएगी इंडियन हाई कमीशन के तो वो किसी सूरत भी इस चीज़ पर इनकार नहीं कर पाएंगे। हाई कमीशन के तो वो किसी सूरत भी इस चीज़ पर इनकार नहीं कर पाएंगे और सारे का सारा मैटर उनकी समझ में आ जाएगा और वही तमाम तर चीज़ें वो फिर अपनी गवर्नमेंट से एड्रेस करेंगे और मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और उसको ब्रीफ करेंगे भारत के इदारों को। और देन फिर नेक्स्ट स्टेप तो आप जानते ही हैं कि गुलाम हैदर वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा और भारत जाएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अगर मुझे भी वीज़ा मिल जाए तो हम भी अपना इस कार्य खैर में जहाँ तक होगा हिस्सा डालेंगे, रोशन अजीम साहब के साथ, गुलाम हैदर के साथ, जहाँ तक हो सका हम अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह ताला मदद करेगा। तो जितने भी लोग इस मामले में डिसअपॉइंटेड थे वो अब दोबारा से इस केस के साथ जुड़ जाएं और इस बारे में पुरुमीद रहें कि पहली मुलाकात जो है वो होने जा रही है परसों मेरी इतलात के मुताबिक। और ये सारी मालूमात जो हैं वो रोशन अजीम और गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब से जो है वो डिस्कशन करने के बाद मैंने ये वीडियो लगाई है और मेरी कोशिश यही होती है कि जो ट्रू और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही आप लोगों से शेयर की जाए ताकि आप लोगों तक सही जो पाकिस्तान से अपडेट है वो पहुँच